सम्मान के बढ़कर कुछ नहीं है, आपका सम्मान के बढ़कर कुछ नहीं है। जहां वहां आजाद करा वहां पर मैंने बोल दिया। आज भी आज सुबह 12:22 में ममता बनर्जी का फोन आया था जो मैंने नहीं खाया। मैं कुछ सलाह नहीं बोलूंगा आप लोग राजनीति का कोले नहीं जानते हैं, कोले नहीं जानते हैं ना, मैं सब बोल दूंगा ताकि पूछ लूंगा। आज मैं विशाल लामा को देखिए, एक शिक्षित लड़का है, ग्रेजुएट है, भद्र है, आदमी से व्यवहार अच्छा है, सब तरफ चलता है और एक तरफ देख क्या है आपको मालूम है वो किस तरह का आदमी। मैं अपना मुंह से उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि उसके बारे में बोलना ही पाप है। विशाल लामा को जीत गया, विशाल लामा को सिर्फ अभी 10 तारीख को वोट, 2 तारीख को काउंटिंग का टाइम है, तो कम से कम 20 विधानसभा से 30-35-40 हजार वोट से जीतेगा। ये आज मोहन सरकार बोल दिया इस मैदान में आपको याद कीजिएगा। मुझे भाई मनु मेरी माताएं जो है मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल के इतनी बात बोलना चाहूंगा। मोहन सरकार ने आज तक इस क्षेत्र का सेवा किया है। आज का वाली वाली कोई भी आदमी मेरे पास गया हो कोई समस्या लेकर और खाली हाथ आया ऐसा कुछ भी कोई भी एक भी आदमी इस क्षेत्र में नहीं बोल सकता। मोहन सरकार का घर, मोहन सरकार का द्वार, मोहन सरकार का वहां सबका लिए जैसे हमारे मोदी जी बोलते ना सबका साथ सबका विकास, मैं भी उसी को मानते हुए मैं सबका लिए काम कर रहा हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ, आगामी दिन में भी करूंगा। मैं अभी मेरे जो लीडर लोग हैं द्रौपदी भाई है, हमारे नारायण भाई है और भी यहाँ के जो लीडर हैं आप लोग आगे बढ़िए। मोहन सरकार का नेता हमें नहीं आया देखता है इतना दम टीएमसी है, मैं जानता हूँ टीएमसी का दम क्या है, कहाँ तक टीएमसी कर सकता है मैं जानता हूँ। आपको रिलीज नहीं बोलकर एक ही मेरा एक ही ऑन होता है 10 तारीख को 4,000 वोट से गारो बड़ा जीत हम लोग रीड किया था इस संसद से। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपसे विनती करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा इस बार 4,000 नहीं 6,000 वोट से हमको रीड करना होगा। इसका ये जो लोग कुछ करना हो मोहन शर्मा को आप लोग बोलिए, मेरे नेता लोग बोलेंगे मैं वो पूरा करूंगा, मैं वो काम करूंगा, लेकिन 4,000 को हमको 6,000 बनाना होगा। जवाब देना होगा, रावण को हमको नाश करना होगा, रावण को नाम नाश करके ही जय श्री राम का नारा हम लोग लगाना होगा। जय श्री राम। ठीक है, आप लोग तो वही चिंता का बात नहीं है, कम से कम 100 चौकीदार इसके जगह चौकीदार आ गया है, 100 चौकीदार में वो दम रखता है कि आप लोग का सेवा करने का, आप लोग का साथ देने का, आप लोग का सुविधा में आप लोग का पास में खड़ा होने का वो ताकत मोहन सरकार में है। अगर मुझे मिला आप लोग वो समझ पाइएगा, अगर मुझे मिला आप लोग वो देखिएगा। मैं आप ज्यादा नहीं बोलते उतना वक्त में मैं शेष करना चाहता हूँ।